हेलो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ई e कॉमर्स तो इस वीडियोस में इस मैं पूरे ई e कॉमर्स की जितने भी टॉपिक्स हैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगा तो आज हम एज अ इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज़ ई कॉमर्स तो ई e कॉमर्स जो है दो वर्ड से बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ठीक है और कॉमर्स मीन्स होता है द एक्सचेंज ऑफ कॉम्योडिटी बाई एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिक्वायरिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लोकेसन टू लोकेसन इज नोन एज कॉमर्स मतलब एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी कॉमोडिटी मीन्स कह सकते हो आप कोई भी गुड्स हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट या सर्विसेज हो गई जिसका हम एक्सचेंज कर दे हैं बिटवीन दी पीपल्स या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन फिर हो गया बाई एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट चीज़ों को खरीदना या बेचना चाहे वो प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो और उसके ट्रांसपोर्टेशन को फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन उसी को हम कॉमर्स बोलते हैं तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर ई कॉमर्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब ये सारी चीज़ें जो खरीदना हुआ या किसी सर्विस को प्रोवाइड करना हुआ थ्रू दी इंटरनेट हाँ थ्रू दी कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके उसे हम कहेंगे ई e कॉमर्स ठीक है तो ई e कॉमर्स का यहाँ पर छोटा सा डेफिनेसन है ई कॉमर्स प्रोवाइड अ कैपेबिलिटी ऑफ बाई एंड सेलिंग प्रोडक्ट फ्राम एंड इन्फॉर्मेश ऑन दी इंटरनेट ठीक है हमें कोई नेटवर्क चाहिए उसके साथ तो वो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमें डिवाइस भी चाहिए होंगे एंड अदर ऑनलाइन सर्विसेज तो ये हमारा हो गया ई e कॉमर्स फिर इसी में हमारा एक टॉपिक है ई e बिज़नेस ये भी एक इसी से मिलता जुलता टॉपिक है वैसे हम बिजनेस के बारे में जानते ही हैं हमारे चारों तरफ बिजनेसेस फैले हुए हैं लेकिन उस बिजनेसेस में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का भी अब यूज़ करने लगे हैं ताकि हम अपने बिजनेस को फैला सके बूस्ट कर सके तो इसमें जो होता है ये भी दो वर्ड से बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक और बिजनेस तो इसको समझने के लिए हम पहले पुराने मेथड से समझते हैं जो तो ट्रेडिशनल मेथड थे तो उसमें क्या होता था कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट का एक हेड मैनेजर है और उसे अपने प्रोडक्शन हेड मैनेजर से कांटेक्ट करना है ठीक है प्रोडक्शन हेड मैनेजर से कांटेक्ट करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा Uh, पहले के टाइम में क्या होता था पहले के टाइम में वो चाहे तो लेटर लिख के भेजे या फिर uh, सीधा किसी पर्सन को अपॉइंट करे और उसे कहे कि मुझे अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस कराने हैं कि ये जाकर तुम प्रोडक्शन हेड मैनेजर को बताओ और वो चेंज करे तो इसके लिए हमें क्या लगता था टाइम लगता था ऐसा तो है नहीं कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस पास में ही होंगी या सभी डिपार्टमेंट पास में ही होंगे सभी फैले हुए रहेंगे तो उस आदमी को या उस मैंने इंसान को वो इन्फॉर्मेशन ले जाने में थोड़ा टाइम लगेगा प्रोडक्शन हेड मैनेजर के पास तो इसमें ये टाइम टेकन था फिर टाइम कंज्यूमिंग था कॉस्टली था तो ये ई बिज़नेस का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस में क्या होगा हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करेंगे और इंटरनेट का यूज़ करेंगे इससे क्या होगा कि अगर कोई भी चेंजेस कराने हुए प्रोडक्ट में तो वो सीधे अपने सिस्टम से लॉग इन करके और फिर वो जो भी डिटेल्स है उसे मेल के थ्रू ईमेल के थ्रू डायरेक्ट वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को भेज देगा और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट शॉर्ट टाइम में ही वो चीज़ों को चेंज चीज़ कर देगा ठीक है तो इससे हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है रिलायबल भी है और टाइम सेविंग भी है तो ई बिज़नेस को अगर एक लाइन में बोलना हो तो हम ये बोल सकते हैं इट रिफर टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू द इंटरनेट ठीक है तो जो भी हम एक्टिविटीज़ जो भी हम बिजनेस में परफॉर्म करते हैं एक बिजनेस में वो सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें थ्रू दी इंटरनेट उसी को हम बिजनेस बोलेंगे ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट हमारा नाइनटीन नाइन्टी में आया था और इसके बाद ये बहुत ही बूस्ट किया था और हमारी इकोनॉमिक uh, डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है तो आप ऐसे कंपेयर करके बता सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो ट्रेडिशनल्स को एज अ मॉडर्न ई बिजनेस से कंपेयर कर देना और ये एग्जाम्पल बता देना इतने से आपका पूरा एक पेज भर जाएगा थैंक यू